स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे संस्कृताइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, संस्कृताइजेशन जो ये वर्ड है, ये जो टर्म है, इट वॉज गिवन बाय एम एन श्रीनिवास ने ये जो वर्ड है संस्कृताइजेशन ये दिया था। अब बेसिकली संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि लो कास्ट ट्राइब या अदर ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो हाईली प्लेस्ड इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स की तरह उनके कस्टम्स, रिचुअल्स, बिलीव्स, आइडियोलॉजी, लाइफस्टाइल, प्रैक्टिसेस, जिसे कि आप बोलते हो बेसिकली ट्वाइस बॉर्न या द्विजा कास्ट की तरह, उनके ये सारी ये चीज़ें, कस्टम्स, बिलीव्स वगैरह कॉपी करते हैं या उन्हें इमिटेट करते हैं। अब ये जो एंटायर प्रोसेस है संस्कृताइजेशन का, ये सिर्फ और सिर्फ एक पोजिशनल चेंज होता है, जबकि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारी सोसाइटी का, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, वो एज इट इज रहता है। अब ये तो हो गया कि संस्कृताइजेशन क्या होता है। डीसंस्कृताइजेशन क्या होता है ये आप लोग मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और इन केस अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि डीसंस्कृताइजेशन क्या होता है, हम अपना न्यू वीडियो लेक्चर जो बना रहे होंगे वो हम डीसंस्कृताइजेशन पे बता रहे होंगे। इसके अपार्ट भी अगर आपको कोई भी टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक्स रिलेटेड डाउट है ह्यूमैनिटीज या फिर कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में, वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उसको यहाँ पर डिटेल में क्लैरिफाई कर रहे होंगे।